भारत में नई शिक्षा नीति आने के बाद उसका मिला जुला असर सोलन में देखने को मिला। कुछ शहरवासी बेहद खुश नजर आ रहे हैं तो कुछ नई शिक्षा नीति की खामियों को भी उजागर कर रहे हैं। शहरवासियों ने इस बारे में अपनी अपनी राय जाहिर की और बताया कि केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के समय से चली आ रही शिक्षा नीति को बदलकर बेहद अच्छा और सराहनीय कार्य किया है। इस शिक्षा नीति का आने वाली नई पीढ़ी को बेहद फायदा मिलेगा। तो कुछ ने कहा कि नई शिक्षा नीति को कोरोना संकट के दौरान जानबूझकर लाया गया है ताकि शिक्षाविद इस पर टिप्पणी कर विरोध दर्ज न करवा पाए। सोलन शहरवासियों ने अपनी राय रखते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा हिंदी में होगी। ये निर्णय तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पांचवी के बाद जब वह अपनी शिक्षा आरंभ करेगा तो उसे अंग्रेजी समझने के लिए बेहद दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा, इसलिए वे चाहते हैं कि अंग्रेजी पहली कक्षा से ही लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति अचानक ही केंद्र सरकार ने जारी कर सभी को हैरान कर दिया है। इसमें कितने शिक्षाविदों की राय ली गई, इसे कैसे तैयार किया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जानकारी ये मिल रही है कि इस बारे में पंचायत प्रधानों की भी राय ली गई है, लेकिन प्रधान कितने शिक्षित हैं ये सब जानते हैं, इसलिए शिक्षा नीति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कुछ कदम सराहनीय भी हैं जिसमें विद्यार्थियों को अपने विषय खुद चुनने का अधिकार मिलेगा, जिसकी वजह से उनका रुचि के अनुसार उनका सर्वांगीण विकास हो पाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, कुछ एक पॉइंट्स नहीं भी हैं। जो इसमें नहीं है बढ़िया, वो मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर जो मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा बच्चों को, उसके बाद जो बच्चा पंजाबी में या तमिल में या मलयालम में कक्षा तक पढ़ के उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में, उसे त्रिकोण या ट्रिग्नोमेट्री उस सब को रिलेटेड अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा तो उसे बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इंग्लिश तो बेसिक चीज़ चाहिए ही चाहिए, जो फर्स्ट क्लास से एंड तक, टेंथ प्लस टू तक चाहिए, होनी ही चाहिए। एक बात तो मातृभाषा ज़रूर एक करिकुलम रहे, एक कोर्स रहे, लेकिन उसमें ही हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए, इसका मैं समर्थन नहीं करता। एक बात, दूसरा, 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन होना अच्छी बात है, ये एक सराहनीय कदम है। लोकल लैंग्वेज में ई कॉमर्स की सुविधा हो पाना बच्चों के लिए, ये भी बहुत सराहनीय कदम है। आज के समय को देखते हुए जिस हिसाब का कोरोना काल चल रहा है, बच्चों को घर पे गुणवत्ता के साथ शिक्षा मिले, अच्छे से अच्छा शिक्षा मिले, ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। 10+2 का ढांचा छोड़कर 5+3+3+4 का जो इन्होंने प्रपोज किया है, ये भी एक सराहनीय कदम है, इसका भी अच्छे परिणाम आएंगे। जो बच्चा अपनी रुचि के अनुसार म्यूजिक भी ज्वाइन करना चाहे और साथ में लॉ की डिग्री भी करना चाहे, ये दोनों दिशाओं में वो अपना जो योगदान है, अपना जो इंटरेस्ट है, वो कर सकता है। केंद्रीय सरकार ने कोरोना काल का फायदा उठाते हुए नई शिक्षा नीति बना दी है। ये समझ में नहीं आया कि क्या कितने शिक्षाविद, कितने अर्थशास्त्रियों से, कितने साइंस से, कितने लोगों से इसके बारे में राय ली गई, उनसे पूछा गया। जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि पंचायत के प्रतिनिधियों से पूछा गया, जिनमें से कई तो अभी 10वीं पास भी नहीं होंगे और कई वैसे हैं जो अनपढ़ हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा भाई कितने लोगों की राय ली गई, कितने स्टूडेंट्स से पूछा गया, कितनी यूनिवर्सिटी से पूछा गया, किस प्रकार से ये फैसला हुआ। सरकार ने ये फैसला किया है कि 5+3+3+4 होगा जो नया सिस्टम होगा, उसमें कोई प्री नर्सरी और नर्सरी नहीं होगी, यानी कि 6 साल तक की उम्र में बच्चे अपने घर में पढ़ेंगे और उनके माता पिता को भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सरकार देगी कि जिसके तहत वो बच्चों को पढ़ाएंगे, घर में पढ़ाएं। उसके बाद बच्चा अगली शिक्षा जो है वो अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा, उसके बाद वो आगे बोर्ड में जाएगा, हाई स्कूल में जाएगा, और जब लास्ट जो उसका प्रोग्राम है वो यूनिवर्सिटी का है। और उसमें ये किया गया है कि कोई 1 वर्ष पढ़ के छोड़ सकता है, उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, फिर 2 वर्ष कर सकता है, फिर गैप डाल सकता है, फिर अपनी पूरी डिग्री कर सकता है। ये समझ नहीं आ रही कि सरकार ये बात क्यों कर रही है। जब तक कोई डिग्री कंप्लीट नहीं करेगा तो उसको आगे उसका भविष्य क्या होगा। और अभी जो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल चल रहे हैं और जो क्लासेज, जो सिस्टम चल रहा है, उसके बारे में
इस शिक्षा नीति में कोई पता नहीं कि उन टीचर्स जो अब नए टीचर आएंगे वो केंद्रीय सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही होंगे और कोई भी सरकार राज्य सरकार उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती कि किस प्रकार के टीचर चाहिए। तो जो अब टीचर हैं उनका भविष्य क्या होगा ये समस्या पर है, क्या उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या उन्हें निकाला जाएगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि पूरी क्लियरिटी ना करने के बाद, क्योंकि अगर ये कोरोना काल ना होता तो शायद कई शिक्षाविद इसके बारे में बात करते, कई एजुकेशनिस्ट के बारे में बात करते और लोगों से पूछा जाता, स्टूडेंट्स बताते कि किस प्रकार का इसमें परिवर्तन अगर करना चाह रही है सरकार कैसा होना चाहिए।